हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने आयोनिक बॉन्ड्स देखा था, ठीक है, और आयोनिक बॉन्ड्स का एक्सप्लेन भी किया था मैंने। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो लगता है कि वो बाकी है बॉन्ड्स में, तो आयोनिक बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। जितने भी काम की चीजें थे वो हो गए थी, एक लास्ट में पॉइंट बाकी था जो मैंने लिख के दिया था और आपको बोला था एक्सप्लेन बाद में करूंगा, दैट आयोनिक बॉन्ड शो डायरेक्शनल नेचर, सॉरी नॉन डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, कौन सा? नॉन डायरेक्शनल नेचर, ठीक है, ओके। और सोल्युबिलिटी वाला जो रहेगा वो पोलैरिटी में हो जाएगा, ठीक है। सोल्युबिलिटी का जो बाकी था वो पोलैरिटी टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट, ठीक है, उसमें वो हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये बताता हूँ डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अब देखो, स्टूल और चेयर दोनों सेम है डिफरेंट है? स्टूल एंड चेयर बोथ आर सेम और डिफरेंट? स्टूल एंड चेयर बोथ आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट है, क्या फर्क है दोनों में? इफ मैं यहां पे एक चेयर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये 2D स्ट्रक्चर है, चेयर का 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे। और यहां पे मैं स्टूल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, फर्क क्या है दोनों में? इस चेयर में हम लोग इसी साइड से बैठ सकते हैं, ये मान के चलते हैं कि यहां पे चेयर को कुछ हाथ है ऐसे, ठीक है, तो चेयर पे बैठने के लिए ये हमारा, देखो चेयर का फेस इस साइड में है, चेयर का फेस उस साइड में है, तो हम लोग चेयर के फ्रंट साइड से बैठ सकते हैं, चेयर के बैक साइड से बैठ सकते हैं, चेयर के लेफ्ट साइड पे बैठ सकते हैं, या चेयर से राइट साइड में बैठ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझा? ठीक है, यहाँ पे हमने चेयर इस साइड में रखा है और मैंने आपको पूछा है हमको उस चेयर पे बैठना है, हमको क्या करना है? उस चेयर पे बैठना है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल सामने डायरेक्ट करके आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास चेयर है, ठीक है, इस चेयर पे बैठना है, तो ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका बैक साइड है, तो आपको इस चेयर पे बैठने के लिए किस डायरेक्शन से आना पड़ेगा? आप किसी भी डायरेक्शन से बैठ सकते हो या एक ही डायरेक्शन से बैठ सकते हो। इस चेयर के ऊपर ओनली आप फ्रंट डायरेक्शन से बैठ सकते हो, आप बाकी डायरेक्शन से नहीं बैठ सकते हो। इसका मतलब आपको यहाँ पे बैठना है और इस चेयर के साथ बॉन्डिंग बनानी है। आपको चेयर पे बैठना है मतलब आपको चेयर के साथ इंटरेक्शन करना है। आपको चेयर के साथ इंटरेक्शन करना है, उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपको चेयर के साथ बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फ्रंट साइड से आना पड़ेगा। आप राइट साइड, लेफ्ट साइड या बैक साइड से आते हो तो आपका चेयर के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। मतलब चेयर के साथ आपको इंटरेक्शन करना है, आपको चेयर पे बैठना है, तो डायरेक्शन जरूरी है कि डायरेक्शन जरूरी नहीं है? चेयर पे बैठने के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप फ्रंट साइड से आओगे तो ही जरूरी है बॉन्ड बनेगा, बाकी साइड से बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जो बात करने के लिए डायरेक्शन जरूरी है उसको बोलते हैं डायरेक्शनल नेचर, उसको बोलेंगे डायरेक्शनल, ठीक है। अब बात कर रहे हैं स्टूल की, तो स्टूल में ऐसा कुछ नहीं है। इस स्टूल के ऊपर आप कहां से बैठ सकते हो? फ्रंट साइड से, बैक साइड से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? स्टूल के ऊपर बैठने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, समझ गए बात को? तो स्टूल के ऊपर बैठने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, और जहां पे डायरेक्शन जरूरी नहीं होता है उसको नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अब क्या किया हम, ये मान के चलते हैं कि यहां पे एक्स एक्सिस ए वाई एक्सिस है, ठीक है, यहां पे एक एटम ए है और इस एटम ए में ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है, सो हियर हैविंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब यहां पे जो एटम बी है इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है,
सही है। तो इस एटम बी को एटम ए के साथ अपने ऑर्बिटल को ओवरलैप करना है, और उसके पास भी यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है और इस पी के साथ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस ए को बी के साथ इंटरेक्शन करना है। तो क्या ये बी किसी भी साइड से इसके साथ बॉन्ड बना सकता है या पर्टिकुलर साइड से बॉन्ड बना सकता है? ये जो बी है वो ए के साथ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से बॉन्ड बना सकता है या किसी भी साइड से बॉन्ड बना सकता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, सही है। तो ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो बी के साथ शेयर करना है, तो बी का इलेक्ट्रॉन ए के साथ शेयर करना है, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो ऑर्बिटल को ओवरलैप करना होता है, और ऑर्बिटल को ओवरलैप करने के टाइम पे हमको एक पर्टिकुलर एक्सिस से आना पड़ता है। इफ हम पर्टिकुलर डायरेक्शन से आते हैं, पर्टिकुलर एक्सिस से आते हैं, तो ही इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड रहेगा वो बनाने के लिए डायरेक्शन जरूरी है कि डायरेक्शन जरूरी नहीं है? डायरेक्शन जरूरी है कि डायरेक्शन जरूरी नहीं है? डायरेक्शन जरूरी है, और जहां पे डायरेक्शन जरूरी रहेगा सो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल नेचर शो करता है, और आयोनिक बॉन्ड जो रहेगा वो नॉन डायरेक्शनल रहेगा। अब आयोनिक नॉन डायरेक्शनल क्यों है? यहां पे मैंने Na+ बोला, तो इस पॉजिटिवली चार्ज कटायन को कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिवली चार्ज Cl, सही है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। अब क्या होगा, इस Na+ और Cl के बीच में अट्रैक्शन है। अब मैंने पूछा ये इसके इस साइड में है और एक Cl इस साइड में है, किसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा? क्या ये Cl जो है वो इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ये इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, मतलब ये दोनों को अट्रैक्ट कर सकता है? तो यहाँ पे डायरेक्शन जरूरी नहीं है। ये जो Cl है, ये Cl यहाँ से आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ से आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ से आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है NaCl, रिप्रेजेंटेशन NaCl का ऐसा है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि Na हमेशा लेफ्ट साइड से आना चाहिए और Cl हमेशा राइट साइड से आना चाहिए, समझे बात को? तो इस रिप्रेजेंटेशन का और डायरेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। मतलब आप ये मानोगे कि Na लेफ्ट साइड में लिखा है तो Na लेफ्ट साइड से आया होगा, Cl राइट साइड में है तो वो राइट साइड से आया होगा, ऐसा नहीं है। ये बस इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका डायरेक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो इस Na के साथ ये Cl राइट साइड से भी आ सकता है, ये लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, ये अपर साइड से भी आ सकता है, ये लोअर साइड से भी आ सकता है। सभी डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इन दोनों आयंस के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड बनेगा ये कैसा रहेगा? नॉन डायरेक्शनल रहेगा। क्या आपको ये समझ में आ गया कि आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल क्यों होता है? समझ गया ना मेरी बात को? आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल क्यों होता है, ये क्लियर हो गया या इसमें भी डाउट है? क्यों? क्योंकि आयंस के बीच का इंटरेक्शन जो रहेगा वो सभी डायरेक्शन में सेम रहेगा, और जब वो सभी डायरेक्शन में सेम रहेगा तो इसको बोलेंगे ये नॉन डायरेक्शनल नेचर क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। इस प्रकार से अब एक आसान सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? तो पहला आंसर होना चाहिए सर ये बनता है अपोजिट चार्ज आयंस में। फिर मैंने पूछा और किसके बीच में बनता है, तो ये बनता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव के बीच में, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशंस क्या है? आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, ठीक है। तो पहली बात, पहली कंडीशन है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड इजीली कौन बनाएगा? वही बनाएगा जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि Na को Na+ बनना होगा, Na को Na+ बनना होगा, ठीक है। तो Na से Na+ बनने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया,
और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी खर्च करते हैं दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैंने पूछा मेरे पास यहाँ पे Na है और मेरे पास यहाँ पे K है, ये इन दोनों में से कौन Cl के साथ इजीली बॉन्ड बनाएगा, कौन Cl के साथ इजीली बॉन्ड बनाएगा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, Na जो रहेगा वो Na से Na प्लस बन जाएगा, उसके लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉनों क्लोरीन को दे, वो क्या करेगा क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये के जो रहेगा वो के से बन जाएगा के प्लस और ये भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इजीली देगा। तो क्लोरीन को किसका इलेक्ट्रॉन लेना इजी होगा, वही जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो Na का साइज छोटा है और के का साइज बड़ा है, और के का साइज बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से के जो रहेगा वो इजीली बॉन्ड बनाएगा। नहीं समझा, देखो इस Cl मतलब आप हो, Cl मतलब आप हो और आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि आपको Cl से Cl माइनस वन बनना है। अब आपको इलेक्ट्रॉन लेना है, किससे लेना है, दो ऑप्शन है, एक है Na प्लस Na और दूसरा K। Na का साइज छोटा है कंपेयर टू K, तो Na में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आपको ये इलेक्ट्रॉन लेना है तो आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन आपको के का इलेक्ट्रॉन खींचना है तो आपको कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब ये सीएल जो रहेगा वो किससे इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, के से, ठीक है। अब इस सीएल के पास दोनों ऑप्शन थे, उनमें से एक का आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है और दूसरे का आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, तो ये Cl क्या करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगा। क्लियर है पॉइंट नंबर वन, क्लियर। तो जो भी मेटल होता है या तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा लो होना चाहिए, समझे बात को। अब हमारे पास यहाँ पे K है, ये K से क्या होगा, K प्लस बनेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ऑप्शन ऐसा है, हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बन सकता है या तो हमारे पास ब्रोमीन से ब्रोमीन माइनस वन बनता है, ठीक है। अब इसमें मेटल के हिसाब से नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि मेटल तो सेम ही है। अब मैं आपको पूछता हूँ इस Cl से Cl माइनस वन और Br से माइनस Br से Br माइनस वन, तो Cl और Br में से कौन K का इलेक्ट्रॉन इजीली पुल करेगा, Cl और Br में से कौन K का इलेक्ट्रॉन इजीली पुल करेगा और क्यों करेगा, Cl और Br में से कौन K का इलेक्ट्रॉन इजीली पुल करेगा और क्यों करेगा, ओके। इनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है लूज करना है, इनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है कि लूज करना है, गेन करना है, सही है ना, ओके। अब इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो जिसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पुल करने के लिए हमको उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो मेटल में क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन लूज करना था, जहां पे हमको इलेक्ट्रॉन लूज करना है वहां पे हमको कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला चाहिए, वो इजीली देगा। जब इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आती है तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा। तो Cl और Br में से Cl का साइज छोटा है, Cl हैविंग स्मॉलर साइज कंपेयर टू Br, दैट्स व्हाई दिस Cl हैविंग द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू Br, एंड दैट्स व्हाई Cl कैन पुल द इलेक्ट्रॉन ऑफ K इजीली कंपेयर टू Br, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट रिएक्शन इज मोर इजियर कंपेयर टू सेकंड वन। So, out of two possibility, only one possibility is correct. Cl will pull the electron of K and it becomes Cl minus. This will be K plus and this will be Cl minus. It means that electron lose करने वाला जो होता है उसका force of attraction कम होना चाहिए।
लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं? समझ गए ना? हाँ, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए? एस और नो? प्रिया, ठीक है, ठीक है। देखो, बॉन्ड दोनों के बीच में बनता है, एक बनता है मेटल और दूसरा बनता है नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है मेटल और कौन गेन करता है नॉन मेटल। यहां पे क्या था, नॉन मेटल तो सेम था, मेटल डिफरेंट थे, इसलिए क्या हुआ, इन दोनों में से कौन सा मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज वही करेगा जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कम है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का रिलेशन अपोजिट है, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा। सही है, क्लियर? ओके, दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की बारी आती है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन लेने वाले दो लोग हैं, सीएल और बीआर। तो इलेक्ट्रॉन लेने का जो टेंडेंसी होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं या तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बोलते हैं, वो साइज के हिसाब से होता है। तो सीएल हैविंग स्मॉलर साइज, बीआर हैविंग लार्जर साइज। तो सीएल का साइज छोटा है तो सीएल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ये सीएल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इजीली पुल करेगा कंपेयर टू बीआर। मतलब बात ऐसी है, इलेक्ट्रॉन बीच में है, यहाँ पे सीएल बैठा है और यहाँ पे बीआर बैठा है, तो किसका इलेक्ट्रॉन पुल करने का पावर ज्यादा है? किसका पावर ज्यादा है? सीएल का। और इसीलिए सीएल जो रहेगा वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज नॉन मेटल। सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन यह आता है कि आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, वो भी बताता हूं मैं, ठीक है, चलो उसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये हमने पीरियोडिसिटी मतलब थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। नंबर वन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज कम रहेगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, फर्स्ट वन, ठीक है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, सॉरी, इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब जितना साइज छोटा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा। सही है, क्लियर? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की साइज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना साइज छोटा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, आप यही से पता लगा सकते हो, ठीक है। अब एग्जांपल दिया मैंने कि यहाँ पे Mg और Al, इन दोनों में से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो निगेटिव है, बोथ आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो निगेटिव, बोथ आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दोनों मेटल है ना, Mg भी मेटल है और एल्यूमिनियम भी मेटल है। और जब दोनों के दोनों मेटल है तो क्या कर सकते हैं, जब दोनों के दोनों मेटल है तो क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। अब ये देखना है इन दोनों में से कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हमको साइज देखना पड़ेगा पहले। साइज के लिए रूल नंबर वन क्या कहता है, रूल नंबर वन ये कहता है जिसका नंबर ऑफ शेल ज्यादा रहेगा उसका साइज ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 12, तो 283 और 282। एल्यूमिनियम है 283, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी है और मैग्नीशियम भी है, रूल नंबर वन नहीं होगा क्योंकि दोनों के पास नंबर ऑफ शेल सेम है। तो रूल नंबर टू कहता है जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा उसका साइज छोटा रहेगा, ठीक है। तो Mg का न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 12, और एल्यूमिनियम का न्यूक्लियर चार्ज 13 है, समझे बात को, ठीक है।
तो किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? एल्यूमिनियम का। और जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा उसका साइज छोटा रहेगा। तो Mg और Al में से किसका साइज छोटा है? एल्यूमिनियम का। और जिसका साइज छोटा रहेगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, और जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इसीलिए यहाँ पे मैग्नीशियम जो रहेगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, समझ गए। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जिसका साइज छोटा है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, और जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा वो इजीली बॉन्ड बनाएगा। अभी भी नहीं समझा? इज इट क्लियर? पक्का? ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है वो क्या करेगा, इजीली आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। अब नॉन मेटल की बात करते हैं तो क्या होगा, नॉन मेटल में उल्टा होगा। मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को, तो इन दोनों में से कौन इजीली आयोनिक बॉन्ड बनाएगा? तो नॉन मेटल के लिए कंडीशन क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? वही साइज वाला, दैट इज 2 and 5, दिस इज 2 and 6, सो नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। रूल नंबर 2, न्यूक्लियर चार्ज, नाइट्रोजन हैविंग +7, ऑक्सीजन हैविंग +8, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, और जिसका साइज छोटा रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, और जब उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा तो वो बॉन्ड इजीली बनाएगा, वो क्या करेगा, बॉन्ड इजीली बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये दो कंडीशंस को देख सकते हैं, दीज आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस टू मेक अ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने आपसे पूछा लिथियम और मैग्नीशियम, या तो लिथियम और कैल्शियम, इन दोनों में से कौन इजीली आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों में से कौन इजीली आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, क्या करना होगा? बोथ आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बोथ आर मेटल, है तो कंडीशन नंबर 1 देखना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1 के लिए क्या करेंगे, लिथियम दैट इज 2 and 1, कैल्शियम 2, 8, 8 and 1, किसका साइज छोटा है? अरे साइज किसका छोटा है, साइज किसका छोटा है, लिथियम का। और जिसका साइज छोटा रहेगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, इसका मतलब लिथियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और कैल्शियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है। हमको कंपैरिजन देखना है क्योंकि आपको इन दोनों में से पूछा है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम हैविंग लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड दैट्स व्हाई कैल्शियम जो रहेगा वो इजीली आयोनिक बॉन्ड बना सकता है। कैल्शियम क्या करेगा, इजीली आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, दूसरी बात हम कंपैरिजन करते हैं, ये क्लियर समझा, कंपैरिजन करते हैं ऑक्सीजन को और सल्फर को, तो इन दोनों में से कौन इजीली आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, बनाएंगे तो दोनों, कौन इजीली बनाएगा? ठीक है, ये कैसे, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना साइज छोटा रहेगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा। ठीक है,
लिथियम के पास कितने शेल है? दो। कैल्शियम के पास कितने शेल है? चार। ठीक है, तो इसका मतलब कैल्शियम का साइज बड़ा रहेगा और लिथियम का साइज छोटा रहेगा, सही है। और साइज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो लिथियम का साइज छोटा है तो लिथियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, कैल्शियम का साइज बड़ा है तो कैल्शियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगा, समझे? अब समझ में आ गया कि कैल्शियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो क्यों है, क्लियर ना? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसमें दैट इज 2 and 6, दिस इज 2, 8 and 6, बोथ हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ शेल, सो नंबर ऑफ शेल्स आर 2 and number of shells are 3, बाय दिस वे विच हैविंग स्मॉलर साइज, ऑक्सीजन हैविंग स्मॉलर साइज, so which has been smaller size larger electron gain enthalpy and both are non-metal and that's why those having high electron gain enthalpy it will form ionic bond easily. Is it clear now? Both points are clear? I think this should be clear. Okay, clear? Next, third and last condition for ionic bond. This is second and this is third. ठीक है, third में ऐसा आता है they should have high lattice enthalpy या फिर इसको energy भी बोल सकते हैं, और इसका symbol आता है capital U. इसका symbol क्या है? capital U. क्या आपने lattice enthalpy का नाम सुना है? क्या आपने lattice enthalpy का नाम सुना है? ओके, क्या आपने लैटिस सुना है? लैटिस, ओनली लैटिस, यस, ये कल ही बताया था मैंने। और लैटिस कहां पे आते हैं? आयोनिक कंपाउंड में आते हैं, ठीक है। अब लैटिस एंथैल्पी को समझते हैं, ठीक है। हाउ मेनी NaCl आर हियर? हाउ मेनी NaCl इज हियर? कितने NaCl है? 1। इफ हम इस NaCl को डिसोसिएट करते हैं, डिसोसिएट करना मतलब अलग करना, तो इफ हम NaCl को डिसोसिएट करते हैं सो हियर हैविंग 1 NaCl, 1 NaCl को डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा? यहां पे हमको मिलेगा 1 Na+ और यहां पे हमको मिलेगा 1 Cl-, समझे बात? तो हम यहां से यहां तक जा रहे हैं तो बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, बॉन्ड को बना रहे हैं, तो हम बॉन्ड को मेक कर रहे हैं या बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं? दिस इज बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। और जब भी हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमको एनर्जी सप्लाई करना होता है, मतलब ये हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है? इसको हम लोग एनर्जी देंगे, इसको हम लोग एनर्जी देंगे, सही है। तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, दोनों को सेपरेट करना है, दो लोग साथ में हैं उनको अलग करना है, तो उसके लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो NaCl को तोड़ के Na+ और Cl- दिया, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि NaCl से Na+ और Cl- करने के लिए हमने सपोज 20 कैलोरी एनर्जी को दिया, कितना? 20 कैलोरी पर मोल, पर मोल का मतलब 1 NaCl के लिए। तो 1 NaCl को सेपरेट करने के लिए 20 कैलोरी को एनर्जी को दिया, तो जब हम Na+ और Cl- से NaCl बनाएंगे, जब बॉन्ड को मेक करेंगे, जब बॉन्ड को मेक करेंगे तो ये कितना एनर्जी रिलीज करेंगे, ये कितना एनर्जी रिलीज करेंगे? ये देखो, यहाँ पे एनर्जी गेन किया था, यहाँ पे एनर्जी लूज करेंगे, और कितना एनर्जी लूज करेंगे? यहां से यहां जाने के लिए कितना एनर्जी गेन किया था? 20। तो जितना एनर्जी गेन किया था वो उतना ही एनर्जी रिलीज करेंगे, तो कितना एनर्जी रिलीज करेंगे? 20 कैलोरी पर मोल। मतलब एक पर्टिकुलर बॉन्ड बनाने के लिए, ओके,
एक पर्टिकुलर बॉन्ड बनाने के लिए जितना एनर्जी हमको तोड़ने के लिए चाहिए उतना ही एनर्जी बॉन्ड बनाने के टाइम पे मिलेगा, समझे बात को। तो बॉन्ड तोड़ना है तो 20 कैलोरी एनर्जी देना पड़ेगा, बॉन्ड बनाएंगे तो 20 कैलोरी एनर्जी रिलीज करेंगे। इज इट क्लियर। तो 1 मोल ऑफ NaCl से 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, या तो आयंस से 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए, समझे बात को। आयोनिक कंपाउंड से आयंस बनाने के लिए जो एंथैल्पी का चेंज होता है, जो एनर्जी का चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। डेफिनेशन समझा नहीं समझा, रिपीट करता हूं। 1 मोल ऑफ NaCl से आयंस बनाने के लिए, या तो 1 मतलब आयोनिक आयंस में से 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो एनर्जी सप्लाई होता है, जो एनर्जी चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी 2 तरीके से लिखा जाता है। किसी बुक में ऐसा दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, पॉजिटिव है मतलब रिक्वायर्ड है, नेगेटिव है मतलब रिलीज हो रहा है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनटू आयंस, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। ये पहली डेफिनेशन। किसी बुक में ऐसा दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्योंकि ये नेगेटिव है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन आयंस कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। लिखोगे या मैं बताऊं फिर लिखते हो? आप खुद लिखोगे या मैं बताऊं आपको डेफिनेशन? दोनों पॉसिबल है, बोथ आर पॉसिबल। आप खुद लिखोगे मैं बताऊं? हाँ चलो लिखो। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगा लिखो। किसका डेफिनेशन है? लैटिस एंथैल्पी या तो एनर्जी, एंथैल्पी एनर्जी बोथ आर सेम। लिखो the amount of energy required to convert 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound into its ion, clear? Okay? इसका example लिखना है, NaCl is converted into Na plus and Cl minus, और यहाँ पे 1, so this is example, ठीक है? ओके मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बताने के टाइम पे रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स आयन दिस इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। एग्जांपल लिखना है NaCl को Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट किया, क्लियर? ये था डेफिनेशन 1। हाँ ये थर्ड में से, इसमें से, ठीक है। हाँ डेफिनेशन 2, सेकंड डेफिनेशन लिखो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा मैं, अच्छे से लिखना है। The amount of energy released when ions are converted into
व्हेन आयंस आर कन्वर्टेड इनटू वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, कन्वर्टेड इनटू वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन आयंस आर कन्वर्टेड इनटू वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड दिस इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी, दिस इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, समझा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यही होगा क्या, नहीं, इसका एग्जाम्पल अपोजिट होगा, क्या होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस इज कन्वर्टेड इनटू NaCl, सिंपल, समझे, ओके। तो इसमें जो लैटिस एंथैल्पी रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा, इसमें जो लैटिस एंथैल्पी रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा, ये एब्सॉर्ब कर रहा है, ये एब्सॉर्ब कर रहा है ना, मतलब एनर्जी बढ़ा रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब प्लस हो रहा है ना, सो हियर साइन विल बी पॉजिटिव, हियर इन फर्स्ट डेफिनेशन साइन ऑफ लैटिस एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव, बट इन सेकंड डेफिनेशन साइन ऑफ लैटिस एंथैल्पी विल बी नेगेटिव, वैल्यू विल बी इक्वल, वैल्यू विल बी इक्वल, सपोज कंसिडर दिस इज एक्स कैलोरी प्लस एक्स कैलोरी, सो दिस विल बी माइनस एक्स कैलोरी, दैट विल बी द डिफरेंस, वैल्यू विल बी सेम, साइन विल बी अपोजिट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, किसी बुक में पहला डेफिनेशन दिया हुआ है, किसी बुक में दूसरा दिया हुआ है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है और दोनों अपने अपने हिसाब से सही है। इन्होंने भी सेम बताया पॉजिटिव वैल्यू बताया, इन्होंने भी सेम बताया नेगेटिव वे से बताया, और दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लैटिस एंथैल्पी। अब देखो NaCl को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, अब ये मानते हैं कि NaCl एक कंपाउंड है, ठीक है, और दूसरा हम दोनों को कंपेयर करते हैं, एक है NaCl को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा Na प्लस और Cl, इज इट विजिबल, यस गुड, ओके, इज इट क्लियर ना, स्क्रीन इज क्लियर, Na प्लस से Na प्लस, NaCl से Na प्लस और Cl माइनस बना, और फिर हम बोलते हैं KCl से K प्लस और Cl माइनस बनेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। सपोज हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों में से किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, ये मान के चलते हैं कि NaCl के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इफ NaCl के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, सही है। इफ हम NaCl के बीच का बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं तो जितना इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो जो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है वो, मतलब जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, या जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी वो ज्यादा स्टेबल है, क्या बोला मैंने, जो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है वो ज्यादा स्टेबल है, या जो बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी लग रही है वो ज्यादा स्टेबल है, तो जो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी दैट विल बी मोर स्टेबल, सही है, इसका मतलब वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो ये हो NaCl से Na प्लस Cl माइनस होने के लिए जो एनर्जी लगती है वो लैटिस एंथैल्पी, और जितना लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रहेगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, समझे बात को, तो जितना लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रहेगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, या तो बॉन्ड तोड़ने के टाइम पे, बॉन्ड बनाने के टाइम पे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, क्लियर, इज इट क्लियर। तो ये था थर्ड रिक्वायरमेंट जो आयोनिक कंपाउंड्स में होना चाहिए, ठीक है, चलो।
नेक्स्ट, अब मैंने आपको पूछा आप कल कहाँ गए थे, तो आपने बोला सर हम ए से बी गए थे, हम बी से सी गए थे और सी से डी पे गए, ठीक है। अब मैंने आपको पूछा आप एग्जैक्टली गए कहाँ थे, तो आपने क्या बोला सर हम डी गए थे। कहाँ से गए थे, ए से गए थे, लेकिन गए कहाँ पे, डी पे। तो आप मुझे ये नहीं बताओगे सर हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, अब डायरेक्टली बताओगे कि सर हम ए से डी गए थे, मतलब समझे ना बात को। तो मैं आपको पूछ रहा था कि आपका स्कूल क्यों नहीं है, तो आपने बोला सर हम डी गए थे घूमने के लिए, कुछ काम की वजह से डी गए थे। आपने ये नहीं बताया सर हम यहाँ से मेहंदर से पहले इस गांव गए, उस गांव से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए और वहाँ पे अपना काम किया। हम डायरेक्ट डेस्टिनेशन बताएंगे कि हम कहाँ से कहाँ पे पहुँचे, ठीक है। फिर मैंने आपको पूछा कि आप ए से डी तक गए तो कितना खर्चा है, ऐसे पूछ लिया मैंने, आप ए से डी पे गए तो कितना खर्चा आया, तो वो कैसे निकालोगे। पहले आप क्या करोगे, ए से बी गए थे उसके लिए कितना खर्चा आया। सपोज मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए 30 रुपीज का खर्चा आया, बी से सी जाने के लिए 40 रुपीज का खर्चा आया था और सी से डी जाने के लिए आपको 80 रुपीज का खर्चा आया था, ठीक है, समझे। वो डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना कम ज्यादा था, ठीक है। हमने एक वैल्यू लिया है कि इतना खर्चा आपको आया, तो ए से बी जाने के लिए 30 रुपीज लगे, आपको पता नहीं था एक्चुअली। आपने क्या किया, दो जगह बस चेंज की, पहले आपने ए से बी के लिए बस पकड़ी, फिर बी से सी के लिए बस पकड़ी और सी से डी के लिए आपको 2 या 3 बार बस को चेंज करना पड़ा, ठीक है। लेकिन आपको पहुंचना तो डी ही था, तो आपने बोल दिया कि सर हम डी पे पहुंचे। अब मैंने आपको पूछा कि आपको डी पहुंचने के लिए कितना खर्चा आया, तो आप क्या करोगे, ए से बी जाने के लिए इतना था, बी से सी के लिए इतना, सी से डी के लिए, हाँ तो टोटल खर्चा, तो टोटल कितना खर्चा आया ए से डी जाने के लिए, आने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ए से डी जाने के लिए कितना खर्चा आया टोटल, ये 120, मतलब टोटल खर्चा कितना आया 150 रुपीज, सही है। तो आप मुझे डायरेक्टली 150 रुपीज बताओगे या आप मुझे ये बताओगे कि सर ए से बी के लिए 30 रुपीज लगे, बी से सी के लिए 40 रुपीज लगे और सी से डी के लिए 80 रुपीज लगे। आप मुझे स्टेप बाय स्टेप अमाउंट बताओगे या डायरेक्ट बताओगे, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप अमाउंट बताओगे डायरेक्ट बताओगे, डायरेक्ट बताओगे ना, क्योंकि आप मुझे डायरेक्ट, मैंने आपको डायरेक्ट पूछा है आप कहाँ गए थे और आपको जाने के लिए कितना खर्चा है, हाँ। लेकिन ये आपको ही पता है कि डायरेक्ट जाना पॉसिबल नहीं था और इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप गए, ए से बी गए, वहां से फिर बी से सी गए और सी से डी गए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, रिएक्शन जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप नहीं देखते हैं, हम यही देखते हैं कि पहले हमारे पास क्या था और हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला है, पहले हमारे पास क्या था और बाद में हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, बस यही देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने आपको बताया है इसका केमिस्ट्री में क्या काम है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल कोई भी रहे उसको केमिस्ट्री के साथ ही ज्वाइन करूंगा, ठीक है। अब इसका केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है वो बताता हूं मैं। हुआ ऐसे कि हमको Na और Cl2 का रिएक्शन करना है और NaCl बनाना है, ठीक है। Cl जो होते हैं वो हमेशा डाई एटॉमिक होते हैं, रिएक्शन बैलेंस्ड है, इज दिस रिएक्शन बैलेंस्ड, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नो। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हाफ Cl2 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हाफ Cl2, अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब आप मुझे बताओ ये Na नॉर्मली कौन से स्टेट में होता है, Na नॉर्मली कौन से स्टेट में होता है, Na इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, Cl कौन से स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट, और मिलने वाला जो NaCl होता है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। तो यहां पर मैंने तीनों का स्टेट लिख दिया, ठीक है, सॉलिड, गैस एंड सॉलिड। इस NaCl में Na के ऊपर कितना चार्ज है, इस NaCl की बात करता हूं तो इट बिकम Na प्लस और Cl की बात करूंगा तो इट बिकम Cl माइनस वन, सही है। तो इनडायरेक्टली हमने Na और Cl2 को किस में कन्वर्ट किया, Na प्लस और Cl माइनस में, समझ रहे बात को,
तो हमने Na को Na प्लस में कन्वर्ट किया और Cl को Cl माइनस में कन्वर्ट किया, तो इन दोनों में से किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इन दोनों में से किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इन दोनों में से किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है Cl, और कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है Na। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक के लिए हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी अप्लाई करेंगे और एक के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अप्लाई करेंगे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए अप्लाई करेंगे, Na के लिए या Cl के लिए? आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी एप्लीकेबल फॉर Na और Cl, सो इट इज एप्लीकेबल फॉर Na, एंड इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, Cl, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एप्लीकेबल फॉर Cl, सही है, क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब Na से Na प्लस गया, मतलब Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझे बात को? तो Na की बात करते हैं तो ये 2, 8 और 1 है, तो ये हमको लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, किसको रिमूव करना है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इसमें क्या होगा डेफिनेशन, दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब इलेक्ट्रॉन हम किस एटम का रिमूव करते हैं, सॉलिड लिक्विड या गैस, इलेक्ट्रॉन हम किस एटम में से रिमूव करते हैं, सॉलिड लिक्विड या गैस, गैस में से। डेफिनेशन लिखा था ना, मैंने लिख के दिया था डेफिनेशन, क्या था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन, क्या था, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट, इन इट्स गैसियस स्टेट, ठीक है? तो गैसियस स्टेट में से रिमूव करना है। अब ये Na कौन से स्टेट में है, यहां पे Na कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, सही है? तो इस सॉलिड स्टेट में से हम Na को नहीं, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं, तो इस Na को हम लोग पहले क्या करेंगे, Na इन गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, समझे? हम सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और इसीलिए हम गैसियस स्टेट में से ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, समझे बात को? ठीक है, क्लियर है? तो Na सॉलिड को Na गैस में लेके जाएंगे, और सॉलिड को गैस में लेके जाने के लिए जो एनर्जी चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी का जो साइन है इसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, सही है? इज इट क्लियर? सॉलिड को डायरेक्टली हमने गैस में कन्वर्ट किया एंड दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, और इसके लिए जो खर्चा आएगा दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है? अब इस गैसियस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, सो इट बिकम Na प्लस, और ये यहां पे गैसियस स्टेट में है, और गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो खर्चा आता है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सो दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, हो गया? तो इस प्रकार से हमने Na से Na प्लस बना दिया, हमने Na से Na प्लस बना दिया। अब बात आती है Cl2 की, तो ये जो Cl2 है ये फ्री है या कंबाइंड है, ये Cl2 गैसियस स्टेट में है, तो ये Cl2 फ्री स्टेट में है कि कंबाइंड स्टेट में है, ये Cl2 इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, इट इज इन कंबाइंड स्टेट,
डेफिनेशन क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एटम फ्री एटम इन गैसियस स्टेट। तो यहां पे जो Cl2 है वो कंबाइंड स्टेट में है, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्री स्टेट में लेके आना पड़ेगा। फ्री स्टेट का मतलब सिंगल Cl, Cl2 का मतलब कंबाइंड स्टेट। तो यहां पे हमने Cl को फ्री स्टेट में लेके आया। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कौन से स्टेट में है, गैसीय स्टेट में, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर गैसीय स्टेट में इजीली होता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये बन जाएगा Cl माइनस, ये बन जाएगा Cl माइनस, ठीक है। तो यहां से यहां पे लिखे जाएंगे तो इसको बोलेंगे डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा। हमने क्या किया, Cl और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया और दोनों Cl को सेपरेट किया, और ऐसे टाइम में जो एनर्जी लगता है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। तो हमने इन दोनों को सेपरेट करके Cl बना दिया एंड दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उसके बाद क्या हुआ, Cl से Cl माइनस वन हुआ, तो इसको कौन सा एंथैल्पी बोलेंगे, Cl से Cl माइनस वन हुआ इसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन किया इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझे बात को। तो Cl से Cl माइनस वन हुआ, Cl से Cl माइनस वन हुआ तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब हमारे पास Na प्लस है और Cl माइनस है, इन आयन को कंबाइन करेंगे, इन दोनों आयन को कंबाइन करेंगे और यहां पे वन मोल ऑफ NaCl बनाएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों आयन को कंबाइन करेंगे और यहाँ पे NaCl बनाएंगे, और यहाँ पे तो एनर्जी चेंज होगा, इसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे, कौन सा एनर्जी बोलेंगे, आयन्स को कंबाइन करके वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड बनाया है और यहाँ पे जो एनर्जी का चेंज होगा इसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे, इसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लिखने के लिए कितना सिंपल है, देखो लिखने के लिए कितना सिंपल है, Na plus half Cl to give NaCl, ये बहुत सिंपल लिखने के लिए है, लेकिन रियल में इतना इजी नहीं है। क्यों, क्योंकि Na से Na plus बना है, मतलब Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और ये आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन सॉलिड स्टेट में से ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो पहले क्या करना होगा, इस सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना होगा, फिर उस गैस में से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो पॉसिबिलिटी है, पहली बात। दूसरी बात, तो इलेक्ट्रॉन गैसीय स्टेट में से होना चाहिए और दूसरा आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल होना चाहिए, यहाँ पे Na सिंगल है तो उसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे Cl जो है वो सेपरेट नहीं है, यहाँ पे Cl Cl2 के फॉर्म में है, इसलिए सबसे पहले इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे जो एनर्जी का खर्चा आएगा उसको बोलेंगे डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे हमको Cl फ्री स्टेट में मिला है आइसोलेटेड और गैसीय स्टेट में मिला है और ये नॉन मेटल अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। अब यहाँ पे Cl- मिला है, यहाँ पे Na+ मिला है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। तो Na+ और Na और Cl से NaCl बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, अब मैंने आपको पूछा Na और Cl से NaCl बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, क्या करेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं
NaCl को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? पहले Na को Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। तो पहले एनर्जी जो लगेगी वो रहेगी सब्लिमेशन एनर्जी। उसके बाद क्या किया, गैसियस से इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके लिए बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद क्या हुआ, बॉन्ड को तोड़ा, इसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। प्लस फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड बना, तो उसको बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, सो दिस इज द टोटल एनर्जी। समझे बात को, नहीं समझे? अरे तो समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? और ये जो पूरा साइकिल होता है जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड कैसे बना, तो आयोनिक कंपाउंड बनाने का जो पूरा साइकिल होता है, इस साइकिल को बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। क्या बोलेंगे, बॉर्न हैबर साइकिल। तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल होता है, इस साइकिल को हम बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। तो दिस इज अबाउट बॉर्न हैबर साइकिल।